चलिए आज आप मुझे भारत में किसी भी एक बौना यानी कि ड्रॉफ का नाम बताइए। चलिए मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ, आप एशिया में किसी भी एक ड्रॉफ यानी कि बौने का नाम बताइए। चलिए मैं आपकी मुश्किल और आसान कर देता हूँ, इस दुनिया में किसी भी एक बौने व्यक्ति का नाम आप बताइए मुझे। हो सकता है आप में से कुछ लोग टिरियन लैनिस्टर का नाम लेने की कोशिश कर रहे होंगे, पर मैं जानना चाहता हूँ क्या वास्तव में किसी भी एक बौने का असली नाम जानते हैं। अगर आप किसी भी बौने व्यक्ति का नाम नहीं जानते दोस्तों, तो इस वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। हम ये नहीं कहते कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, पर हमारा दावा है ये वीडियो आपके सोचने का नज़रिया बदल देगा। टिरियन लैनिस्टर ने गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर प्ले किया है दोस्तों, शायद इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे। पर समझने की बात यह है कि गेम ऑफ थ्रोन से पहले भी या फिर इससे पहले कई और लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग की है, पर कभी भी कोई बौना इतना फेमस नहीं हुआ जितना टिरियन लैनिस्टर फेमस हुए। टिरियन ने गेम ऑफ थ्रोन से पहले भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी और बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते थे, पर हर मूवी और प्रोजेक्ट के बाद उन्हें किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में 10 से 20 मिनट का रोल ही मिलता था, जिससे ये काफ़ी दुखी थे। टिरियन ने एक्टिंग के क्षेत्र में लगभग सारे के सारे अवार्ड्स को जीता है, इंक्लूडिंग ग्रैमी अवार्ड्स। अब आते हैं वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट पर कि टिरियन से हम सीख क्या सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनके सोचने का तरीका समझते हैं। टिरियन के लिए जो बौना जो ड्रॉफ वर्ड होता है वो हाइट है ही नहीं। उनका मानना है बौना व्यक्ति दिमाग से होता है, मतलब आपकी हाइट क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोचते किस तरीके से हैं वो साबित करता है आपका कद। देखिए दोस्तों, आप जो आपकी एक्चुअल हाइट है उसको शायद घटा बढ़ा नहीं सकते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, पर जो किसी भी व्यक्ति की परछाई है जिसको आप उसका कद समझ सकते हैं उसको आप काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। और परछाई ही दोस्तों होती है आपकी इमेज। आप अपनी इमेज को धरती के जितना बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, बस आपको सही जगह से प्रकाश मिलने की ज़रूरत है। आप अपनी इमेज को पूरा का पूरा बदल सकते हैं, आप अपनी परछाई को इतना बड़ा कर सकते हैं कि आप पूरे के पूरे शहर को ढक सकें, पूरे के पूरे देशों को ढक सकें। तो आपकी हाइट क्या है, आपका कलर क्या है, आपके सिक्स पैक हैं या नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एक्सेप्ट योर ओन फ्लॉज। आपके अंदर जो भी ऐब है, हो सकता है आप देर से उठते हो सकता है आप दारू बहुत पीते हो सकता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं हो, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपसे अच्छा आपकी कमी को इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। हम आम तौर पर अपने स्ट्रगल का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी इन आदतों को बदलने में लगाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप लेट उठते हैं आप लेट उठिए। आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन नहीं करता उसे मत खाइए। अगर आपको शाम को काम करने का दिल नहीं करता है तो मत कीजिए, प्लीज़ इसे मत बदलिए। इसे एक्सेप्ट कीजिए कि आप ये हो, आप 10 बजे उठते हो, आप शाम को नहीं पढ़ते हो, आपका दौड़ने का मन नहीं करता है। अगर आप पतला होना चाह रहे हैं पर आप डाइटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मत करो डाइटिंग यार, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाओ। देखिए दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, अपने आप से स्ट्रगल मत करो। आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, आप रात भर पढ़ो। आपको शाम को दौड़ने का मन नहीं है, आप बिल्कुल भी मत दौड़ो। अपने आप से अगर आप स्ट्रगल करना बंद कर देंगे तो आप अपनी आधी मंजिल को तो पा ही लेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप मुझे एक बौने का नाम बताइए, और अभी तक पूरे वीडियो में मैंने टिरियन लैनिस्टर को टिरियन लैनिस्टर के नाम से बुलाया, उसका असली नाम नहीं बताया। सिर्फ एक ही मोटिव है दोस्तों उस बात का, कि आपको ये बात समझनी है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है बौना वो दिमाग से होता है, उसकी हाइट से नहीं। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।